आपको नज़र सीरियल तो याद ही होगा, अभी अभी जस्ट ख़त्म हुआ है और अब उसका दूसरा सीजन भी आने वाला है। लेकिन बात हम पहले सीजन की ही करेंगे, पिया के पप्पा की करेंगे, क्योंकि पिया के पापा का आज हम आपको डे आउट दिखा रहे हैं, तो चलें उनके साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं सुमित कौल। आप में से कई लोग शायद मुझे आजकल स्टार प्लस के एक शो नज़र पर देखते हैं प्रोफेसर निशांत के रूप में। और आज मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ अलग शेयर करूं, अपने दिनचर्या का थोड़ा सा एक आपको एग्जांपल दे सकूं, आपको दिखा सकूं कि मेरा यानी सुमित कौल का दिन कैसे बीतता है। आइए, ये एक छोटा सा हमारा मंदिर रूम हमने बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, यही शुरुआत होती है। एंड मेरे लिए ये शुरुआत मुझे बहुत एनर्जाइज करती है, मुझे पूरा दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रखती है। अपने काम, जो भी मुझे काम करना है, मैं उसे खुशी खुशी कर पाता हूँ। अभी चेंज करके मैं आपको मिलूँगा, मतलब रहूँगा यही चेंज करके। मेडिटेशन करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैं दिन में पीता हूँ वो ये है, सेलरी का जूस है ये। सेलरी एक तरह की सब्ज़ी है, वेजिटेबल है, बहुत लोग इसे खाते नहीं है, बट अब ये थोड़ा सा पॉपुलर होने लगा है बिकॉज इट्स अ सुपर फूड। और इसकी शुरुआत, मतलब दिन की शुरुआत मैं सेलरी जूस से करता हूँ। आई मीन ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके गट को क्लियर करता है, टॉक्सिन्स रिमूव करता है। तो सबसे पहले तो परमहंस योगानंदा जी की तस्वीर है, मेरी पत्नी ऋतु इन्हें इनके टीचिंग्स को मानती हैं। ये हमारा ड्राइंग सिटिंग डाइनिंग रूम सिटी में मैनेज करना पड़ता है।
जब इसे डिज़ाइन करना शुरू किया था तो वो उसको थोड़ा सा एक ग्रीस का जो फील आता है ना जैसे आप करते हैं, तो शी वॉन्टेड टू कीप इट दैट वे। और क्योंकि मुंबई में जनरली जो घर होते हैं वो छोटे होते हैं, तो अगर आप उसमें सफ़ेद का टच ज़्यादा रखेंगे ना तो उसका इट अपीयर्स लिटिल स्पेशियस। तो ये हमने जो कहते हैं इसको एक वही ग्रीक कॉन्सेप्ट जो है वो लगाते हुए हमने इसको एक बनाया था, इसको विंडो एक सिस्टम जहाँ पे हम लोग आपके कमरे की प्राइवेसी भी बन जाती है। और क्या हो जाता है कि हम क्योंकि हमारा डाइनिंग एरिया यहाँ पर है, इसके पास ज़्यादा लाइट कई बार आती नहीं है, तो अगर हम इसे जब हम यूज़ करना चाहें अगर ये, तो यहाँ से लाइट भी आ जाती है, गिव्स अ स्लाइटली सेंस ऑफ ओपननेस। मास्टर बेडरूम, अब वहाँ वाला जो टीवी है वो यहाँ आ गया है, कभी कभार जब शाम को बैठ के देखते हैं। अगेन अगर आप देखोगे जनरली इसका वी लाइक टू कीप आर फर्नीचर, वी लाइक टू कीप द वॉल्स लाइट। स्कूल का ग्राउंड है वहाँ पर, जो ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल का ग्राउंड है, यानी वो मेरी बेटी का स्कूल। आई डोंट नो किस हाल में है मेरा कबर्ड इस समय, जनरली मैं कोशिश करता हूँ उसको ठीक ठाक रखने की। तो ये हमारा मैं सिर्फ अपना साइड दिखाऊंगा आपको। तो नॉर्मली ब्लू मेरा, हाँ मैं बहुत ज़्यादा ब्लू पहनता हूँ, बहुत ज़्यादा। ये मेरी डॉटर ईधा ने बनाया हुआ है, उसको शायद किसी गिफ्ट मिला था। This was created by her, this panda thing. वैसे तो मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा शर्माती हैं कैमरा से, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक हाय तो कह सकती हैं। हाय। हाय। ओके। मैं सुबह तो ये लिया और अपना नींबू पानी। इसमें बेसिकली ये पालक का स्मूदी है, स्पिनिच। इसमें टेस्ट के लिए हम थोड़ा एक केला ऐड करते हैं, डेट्स ऐड करते हैं, थोड़ा पानी तो होता ही है, और आजकल इसमें थोड़ा कीवी ऐड कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा नाइस खट्टा खट्टा टेस्ट आ जाता है। उसके अलावा मैं एक और स्मूदी पीता हूँ जो ब्लूबेरी स्मूदी है, जो ब्लूबेरीज होते हैं तो उसकी ब्लूबेरी यूज़ करते हैं, नहीं तो आजकल ब्लूबेरी पाउडर यूज़ करते हैं। तो एक केला। अभी हम सेट चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कि वहाँ पर तैयारी कैसे होती है, शूट कैसे होता है। आइए मेरे साथ। ये सिमरन ने बनाया था हमारे लिए बड़े प्यार से।
अपनी जिंदगी में इतना सीधा इंसान नहीं देगा। भाई ये जैकेट पहन के वो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। पहले तो मतलब जो सुबह घर से निकलने से पहले जो दाढ़ी हल्की सी ट्रिम की जाती है और यहाँ आने के बाद मेकअप लगाया जाता है, बाल को एक पर्टिकुलर तरीके से सेट किया जाता है और कपड़े पहने जाते हैं और फिर फाइनली ये जो जादुई जैकेट पहनी जाती है जिसमें से कुछ भी निकल आता है। Sumit ji is one of the most wonderful guys I've met. And nahi sach mein I mean, you know, the way he is, I would want to be like him. And are sach bol raha hu. Thank you. I would want to be like him. But trust me. Aapne kya talent ke bare mein suna hai ki nahi suna? Hey, kya kaun se? You know those item songs? Hey? आइटम सॉन्ग होते हैं उन्हें भजन कैसे बना देते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, मैं अच्छे गाता हूं यार। ओ साकी साकी रे भजन बन जाता है क्या टैलेंट है, वेरी टैलेंटेड। विल बी लाइक हिम नो। आज अभी कौन सा गाना गा रहा था मैं? हां कुछ तो गा रहे थे आप। क्या भजन गाया आपने? अरे ऐसा नहीं है, अच्छा गाया था मैंने। नहीं नहीं पर वो तो था ही भजन वाला। मैं दिन में कैसे कहाँ किस तरह से अपनी तैयारी करता हूँ, कैसे अपने दिन को गुजारता हूँ, ये लोगों तक पहुँचाया आपने, उसके लिए शुक्रिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।